हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है अजय टकरिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एंड रिव्यूज़ में। ये आप देख सकते हैं, ये आज का ट्रेडिंग चार्ट है और सुबह मार्केट जो है यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है आज बुलिश हो सकता है, लेकिन मार्केट जो है आज बुलिश बिल्कुल भी नहीं था। क्यों क्यों का भाई, सीधा से बात है कि यहाँ पर जो है मार्केट क्रैश किया, थोड़ा देर क्रैश मतलब गिरा। करीब करीब जो है मार्केट यहाँ पे जो हाई लगाया था वो यहाँ पे लगा दिया था करीब 906 का, 17906 का। और ये एक पिवट पॉइंट था यहाँ पे। मुझे लग रहा था अगर मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो काफ़ी जो सेकेंड पिवट पॉइंट था वो करीब यहाँ पे था, लगभग जो है 17949। जी हाँ, 17949 के आसपास जो है आपको एक पिवट पॉइंट मिलेगा। मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है उसे ब्रेक करेगा, लेकिन मार्केट एक्चुअली में जो है उसको ब्रेक नहीं कर, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। उससे पहले ही जो है मार्केट फॉल करने लगा, लेकिन आज मार्केट थोड़ा देर तक जो है यहाँ पे साइडवेज रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने जो है काफ़ी देर तक यहाँ पे साइडवेज जो है यहाँ पे मार्केट रहा था काफ़ी देर तक। मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है यहाँ पे से बुलिश हो जाएगा, लेकिन मार्केट जो है लगभग जो है यहाँ पे साइडवेज रहा था और यहाँ से मार्केट बिल्कुल भी हट ही नहीं रहा था। तो मैं जो है बोर हो गया और चार्ट देखना बंद कर दिया था। ठीक है, चार्ट में देखना छोड़ दिया था ताकि बोर लग रहा था यार, क्योंकि मार्केट जब साइडवेज होने लगता है ना तो बोरिंग बहुत ही ज़्यादा जो है फील होने लगता है। इसके लिए जो है मैं यहाँ पे इस मार्केट को देखना बंद कर दिया था। ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद देखता हूँ तो मार्केट जो है बहुत ही अच्छा लगभग जो है यहाँ पे एक छोटा सा फॉल देना चालू हो जाता है। छोटा सा नहीं है एक्चुअली में, ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस जगह पे धीरे धीरे करके फॉल कर रहा था। इसके लिए जो है मैं कह रहा हूँ यहाँ के छोटा फॉल है। ठीक है, और उसके बाद लगभग जो है यहाँ पे कितना बज रहा था, करीब करीब जो है यहाँ पे हाँ 12-1 बजे के आसपास जो है यहाँ पे मार्केट वापस रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाता और 17818 के ऊपर ही जो है यहाँ पे मार्केट जो है रुक जाता है। अब मैं जो है 1 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आखिर मार्केट का कल का पोजीशन जो है क्या हो सकता है, वो यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे छोटा कर देता हूँ ताकि सब कुछ जो है यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेसिस्टेंट है मार्केट जो है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंट यहाँ पे मार्केट को दिख रहा है। एक्चुअली में जो है यहाँ पे दो दो रेसिस्टेंट है। ठीक है, एक यहाँ पे लग रहा है मार्केट जो है यहाँ पे वही 17900 के आसपास एक रेसिस्टेंट है। मार्केट अगर गैप अप अगर ओपन होता है और इस वाले को अगर ब्रेक करता है, क्योंकि एक पिवट पॉइंट है, इस जगह को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो एक अच्छा खासा आपको बुलिश ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल सकता है, लगभग जो है 100-150 पॉइंट तक का। उसके बाद एक पिवट पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 17940-49 के आसपास एक पिवट पॉइंट है, अगर उसको अगर ब्रेक करता है तो और ऊपर जा सकता है, नहीं तो मार्केट यहाँ से सीधा ही फॉल करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट को जो है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, लगभग जो है इस जगह पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह के आसपास जो है काफ़ी एक सपोर्ट है, क्योंकि ये पिछला वाला जो यहाँ पे मार्केट है ये करीब कितने तारीख का है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये करीब करीब 4 जनवरी का ये है। ठीक है, और सेकंड 5 जनवरी का है। तो जो 4 जनवरी का जो मार्केट हुआ था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी को मार्केट जो है सपोर्ट की एज ए सपोर्ट की तरह जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है और इस जगह को मार्केट जो है फॉल नहीं कर पा रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन कजाकिस्तान में जो है बहुत ही बड़ा जो है क्लैश हो चुका है। क्लैश किस बात का, क्योंकि वहाँ पर जो है जो मिलिट्री जो है पूरा का पूरा देश को संभाल रहा है अभी, क्योंकि उधर दंगा हो चुका है, पूरे के पूरे जो देश है वो विभाजन की तरफ जा रहे हैं। रसिया का जो मिलिट्री है वो टोटल जो है देश में आ चुके हैं, बहुत ही मारधार चल रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पे कल आपको क्रैश करता हुआ दिखे, लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता, ये सिर्फ जो है एक मेरी तरफ से एक हिंट है कि हो सकता है कल आपको जो है यहाँ पर मार्केट क्रैश करते हुए दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे 17700 को अगर यहाँ पे अगर क्रॉस करता है गैप अप या गैप डाउन खुल के,
तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड रहेगा बेरिश की तरफ से। उसके बाद एक 17,900 और एक 17,949 के आसपास जो है आपको एक पिवट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। 1 मिनट का चार्ट पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं 1 मिनट के चार्ट पे ही जो है ट्रेड करना पसंद करता हूँ। मुझे 1 मिनट का चार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो है यहाँ पे पहले से ही जो है एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे कैंडल बना चुका है। मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं, हो सकता है कि मार्केट जो है इसी को लगातार जो है नीचे खींचते खींचते लेके आ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन तीन आपको यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक सपोर्ट बना देता हूँ, सॉरी, ये यहाँ पे एक सपोर्ट बना देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, वो भी जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ। लगभग इस जगह के आसपास जो है एक सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट और भी नीचे गिरने के पूरे चांस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले का जो आपको सपोर्ट नीचे दिख रहा है इसी को मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सपोर्ट वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, इसी को जो है मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है और मार्केट जो है यहीं से जो है वापस ऊपर की तरफ जो है चला जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, और लगभग लगभग जो है ये पूरा का पूरा जो है साइडवेज की तरह जो है काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जगह है जहाँ पे जो है मार्केट सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जा रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो मार्केट कल कल मेरे हिसाब से बकचोदी कर रहा हूँ मैं, कल मेरे हिसाब से जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे बेरिश आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी देखते हैं कि आखिर आने मंडे को जो है क्या होता है, उसके बाद ही जो है पता चलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। गुड लक, बाय बाय, और रात हो चुकी है तो गुड नाइट।